हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नहीं भी उस चैनल पर तो हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट की नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, टैप कर दो, क्योंकि डेली स्पाउस वीजा के ऊपर अपडेट लाता हूं। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। 23 जुलाई 2021 की फाइल है। मेडिकल अपडेट हो गया था जी इनका 28 जनवरी 2022 को। रिव्यू स्टार्ट हुआ था जी इनका 1 मार्च 2022 को। एंड फाइनली पीपीआर इनको मिली 16 मार्च 2022 को। एंड इन्होंने बताया कि आई एम ऑन स्टडी परमिट टिल सितंबर 2022 एंड इट इज ए बिग रिलीफ आफ्टर ईयर एंड थैंक यू ग्रुप फॉर योर सपोर्ट। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो एक और जुलाई 2021 की फाइल है। 2 जुलाई 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन 2 जुलाई 2021 को हुई। बायोमेट्रिक इलेक्शन लेटर इनको मिला 2 जुलाई 2021 को। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 16 मार्च 2022 को। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 10 जुलाई 2021 की फाइल है। 24 अगस्त 2021 को इनकी बायोमेट्रिक हुए। मेडिकल इनका अफ्रंट था 29 अक्टूबर 2021 का। मेडिकल अपडेट हो गया था 8 दिसंबर 2021 को। एंड उसके बाद फाइनली इनको भी 16 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। एंड इन्होंने बताया कि वेब फॉर्म रेज टू अपडेट माई स्पाउस स्टडी परमिट एज ही ट्रेवल्ड बाय दिसंबर 2021, ठीक है जी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, रिसीव पीपीआर फॉर माय हस्बैंड 17 जुलाई 2021 की फाइल है। एंड इनका जो मेडिकल है वो अपफ्रंट था। मेडिकल अपडेट हो गया था जी 19 जनवरी 2022 को। रिव्यू स्टार्ट हुआ था इनका 2 मार्च 2022 को। एंड उसके बाद फाइनली 16 मार्च को इनको भी पीपीआर मिल गई। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, एप्लीकेशन डेट है जी 13 अप्रैल 2021 की फाइल है। रिव्यू स्टार्ट हुआ था जी इनका 9 मार्च 2022 को। गॉट री मेडिकल रिक्वेस्ट इनको 16 मार्च 2022 को री मेडिकल रिक्वेस्ट मिल गई। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, बाय द गॉड ग्रेस रिसीव विस्टर वीजा पीपीआर टुडे। सो विस्टर वीजा की एक और पीपीआर है जी, अप्लाइड ऑन 8 मार्च 2021। पीपीआर इनको मिली 17 मार्च को। एंड वीजा इनका ऑफिस है अटावा में। एंड इन्होंने अपने आप से अप्लाई किया था। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, गॉट माय ब्रदर्स पीपीआर, अप्लाइड ऑन 6 मई 2021। मेडिकल इन्होंने करवाया था 17 मार्च 2021 को। बायोमेट्रिक इनके हुए थे 14 अगस्त को। एंड मेडिकल अपडेट हो गया था 26 नवंबर को। एंड उसके बाद फाइनली 17 मार्च 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं मेरे कुछ इंस्टाग्राम मैसेजेस के बारे में। सत श्रीकाल हरप्रीत बीर जी, आज पीपीआर आ गई। फाइल लॉगिंग डेट है जी 2 अप्रैल 2021 की फाइल है। मेडिकल इनका हुआ था 5 मार्च 2022 को। मेडिकल अपडेट हो गया था 14 मार्च 2022 को। एंड उसके बाद फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी एक और नेक्स्ट टाइमलाइन, हाय हर सर, हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट माई SOWP एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, सबमिटेड ऑन 7 जुलाई 2021 की फाइल है। सो गाइस, जुलाई की जो पीपीआर है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आ रही है। बायोमेट्रिक इनके 12 अगस्त 2021 को हुए। मेडिकल विच वॉज गिवन अपफ्रंट ड्यूरिंग द फाइल सबमिशन वॉज चेक्ड एंड स्टेटस अपडेटेड टू पास्ड ऑन 12 जनवरी 2022 को। इनका जो मेडिकल है वो पास हो गया था। रिव्यू स्टार्ट हुआ जी इनका 24 फरवरी 2022 को। एंड पीपीआर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको मिला 14 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, टुडे आई गॉट मैजिकल मेल, आई गॉट पीपीआर फॉर माय वाइफ। एंड इनकी जो फाइल डेट है जी 22 जुलाई 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक इनके हुए 26 जुलाई 2021 को। अपफ्रंट मेडिकल था जी इनका 9 8 2021 का। एंड मेडिकल अपडेट हो गया था 10 फरवरी 2021 को ही। एंड उसके बाद रिव्यू स्टार्ट हुआ जी इनका 26 फरवरी 2022 को। एंड उसके बाद फाइनली इनको 16 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। एंड इन्होंने बताया कि एक छोटा सा मैसेज, थैंक यू सो मच ब्रदर, योर वीडियोज आर होप फॉर एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन आपको भी बहुत बहुत। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, हेलो बीरो ब्रो, आज मेरा भी वीजा आ गया। फाइल लॉगिंग डेट है जी 3 मई 2021 की। बायोमेट्रिक हुए इनके 11 अगस्त 2021 को। मेडिकल अपफ्रंट था 23 अप्रैल 2021 का। एंड उसके बाद मेडिकल अपडेट हुआ जी इनका 20 दिसंबर 2021 को। फाइनली 16 मार्च को इनको पीपीआर मिल गई। एंड इन्होंने भी एक छोटा सा स्वीट सा मैसेज, जिसे देखकर मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है, सो उसके बारे में रीड करते हैं। बाय करू मेयर करे सारे का वीजा आ जाए। स्पेशल थैंक यू हरप्रीत ब्रो, थोड़िया वीडियोज देख के मोटिवेशन मिलती सी, थैंक यू सो मच, रब करे थोड़ा वीजा जल्दी आ गया, थैंक यू सो मच। एंड थोनों भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो गाइस, ये थी हमारी आज की पार्ट वन की अपडेट। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। अगर नहीं भी उसे चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके ही वीडियो को बंद करना। ऑल्सो गाइस, होली का दिन है, हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड जो लोग इस साल की होली अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बाहर कनाडा जाकर मना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जो लोग जहां पर हैं, होपफुली उनको भी वीजा जल्दी मिल जाएगा और वो बाहर जाकर अगले साल होली अपनी फैमिली के साथ जरूर मनाएं। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।